थैंक यू
वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगी? क्योंकि हम तो पानी खरीद कर पी लेंगे, लेकिन पेड़ पौधे नहीं खरीद सकते। इसलिए जो पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इनका जब अस्तित्व नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगी? इसी प्रकार मेरे को पशु पक्षी, जिनसे हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है, उनको भी पानी कौन पिलाएगा? मतलब सहज रूप से हमें ध्यान में आता है कि जब कोई भी चीज का पैसा लगता है तो उसको किसी दूसरे व्यक्ति को देने में कष्ट होता है, और दिया भी जाएगा तो एक बार दे दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, अल्टीमेटली होगा कि अरे हमें मना करना पड़ेगा। तो यदि धरती पर से पशु पक्षियों का अस्तित्व भी समाप्त हो गया तो क्या मनुष्य जीवित रह पाएगा? ये प्रश्न खड़ा होता है। मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति में जो कुछ भी उपलब्ध है सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, और जब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो सबका अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो ऐसे में ध्यान में आता है कि पानी को बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि पानी प्रकृति प्रदत्त जीवन तत्व है। तो हम सब लोगों ने फिर मिलकर तय किया कि इस मुहिम को आगे चलाई जानी चाहिए। व्यवसाय की एक सीमा होती है, हर चीज का व्यवसाय नहीं किया जा सकता। पानी कॉमोडिटी नहीं है, इसका जिस प्रकार से और कॉमोडिफिकेशन किया जा रहा है इसको रोकना होगा। ये ध्यान में आते ही फिर हम कुछ मित्रों ने और ये तय किया कि हम इस मुहिम को चलाएंगे, और हमारे देश में कम से कम पानी का व्यवसाय नहीं होने देंगे, ऐसा तय करके। और हमने जलाधिकार फाउंडेशन की स्थापना की और अनेक प्रकार के कार्यक्रम हमने करना प्रारंभ किया, बच्चों में, इंटेलेक्चुअल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में धरना प्रदर्शन, इस प्रकार के कार्यक्रम किए। तो आज यही सोचकर और हमने विचार किया था कि जो लोग कानून बनाते हैं, कानून बनाने वाले लोगों के साथ जो देश के जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ इस विषय पर चर्चा की जाए, और इस विषय की क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या पानी को बेचा जा सकता है, नहीं बेचा जा सकता है, क्या सरकार का ये काम है पानी को बेचना, क्या सरकार का भी पानी पर और ओनरशिप है? जैसे एक व्यक्ति के लिए मैं कह सकता हूँ कि पानी की ओनरशिप नहीं है, व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं है, तो क्या सरकार का मालिकाना हक है? इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की चर्चा और हमने तय की है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, सांसद है, उनके साथ बैठकर इस विषय पर एक ओपन डिस्कशन किया जाए, उनका मन क्या कहता है। तो इसी दृष्टि से अपनी ये परिचर्चा शुरू हो, इसके लिए सबसे पहले और दीप प्रज्वलन से हम ये कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, और ताकि एक फॉर्मल वे में कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। तो मैं हमारे जिलाधिकार के अभी इस प्रकार से हम सबको जानकारी है, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने आना था, पार्लियामेंट में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं आज बनी है उनका जो फोन आया कि अभी वो नहीं निकल पा रही हैं, जैसे ही समय मिलेगा वो यहाँ पर रहेंगी, लेकिन किस समय रहेंगी कहना बड़ा मुश्किल है। इस कारण से हमने जो कार्यक्रम तय किया है उस कार्यक्रम पे नियत समय पर प्रारंभ हो जाए, ये हमारा सोचना है। तो मैं जिलाधिकार के जो अध्यक्ष हैं श्री गोपाल अग्रवाल, उनसे निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से प्रारंभ करें।
हाँ जी कुछ लोग हो रहा है के द्वारा है। तो इतना बड़ा प्राणी का भंडार हमारे
पृथ्वी पे है और इस सतही जल में, लेकिन समस्या कहाँ पे आती है कि सतही जल में 97% जो पानी है वो खारा है, वो पीने योग्य नहीं, मीठा पानी नहीं है, मात्र 3% पानी मीठा है। तो इसलिए कई बार लगता है कि इसका अभाव है। और इस जो टोटल जो प्रतिशत पानी है इसमें से 1.5% यानी लगभग आधा पानी जो है वो भूजल है, जमीन के अंदर जल है, वह पीने योग्य मीठा पानी है। तो यह इसकी इतनी उपलब्धता है और इतनी ज्यादा सब जगह उपलब्धता होने के कारण, लेकिन जो समस्या आती है वो हम देखते हैं कि एरिया वाइज कुछ एरिया हैं जहाँ पे कि जैसे राजस्थान देख लें या रेगिस्तान के क्षेत्र देख लें तो उन जगहों पे इसकी उपलब्धता की कमी है और कुछ सीजन्स में भी कमी है कि बारिश के समय में तो पानी की उपलब्धता काफी है, लेकिन अगर वो वही गर्मी के समय में कई क्षेत्रों में बिल्कुल पानी की कमी हो जाती है। तो इसको देख के लगता है कि इसकी समस्या उपलब्धता और अवेलेबिलिटी की नहीं है बल्कि मैनेजमेंट की है। और जहाँ मैनेजमेंट की बात होती है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी की बात जहाँ पे आती है, और उसके कारण की जो पानी की समस्या है उसमें क्या बात है कि जो पॉल्यूशन है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो पॉल्यूशन होता है, अगर हम पॉल्यूट कर देंगे पानी को, क्योंकि कॉस्ट जो इन्वॉल्व है वह उसकी प्यूरिफिकेशन की है। खारा पानी भी हम सीधा नहीं पी सकते, उसको प्यूरिफाई करके पी सकते हैं। अगर नदी नालियों में हमारा पानी पॉल्यूटेड पानी जाता है तो उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो जो मैनेजमेंट में है वहां पे कहीं ना कहीं कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट है। और ओवरऑल जो केवल भूजल की हम बात करें जो कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो उसके कुछ आंकड़े हैं कि कुल जो पानी की अवेलेबिलिटी है पूरे पृथ्वी पे वह लगभग 216 मीट्रिक घन पानी की अवेलेबिलिटी है पूरे उसमें, और हमारी जो आवश्यकता है वह मात्र कुल जो इसकी संख्या है वह है 160 अरब घन लीटर। तो ओवरऑल अगर हम पानी की उपलब्धता देखें और अवेलेबिलिटी देखें, इवन भूजल की केवल जब 70% पृथ्वी पानी से उसमें सतह पे पानी है उसमें से 97% खारा है और 3% पीने का पानी है, 3% में भी जो भूजल है 50% जमीन के अंदर का पानी है, वह अकेले अवेलेबिलिटी की जो संख्या है 213 अरब घन लीटर है। और जो जो साइंटिस्ट वगैरह ने अनुमान लगाया है उनका कहना है कि 160 अरब घन लीटर की पानी की आवश्यकता मनुष्य की या प्राणियों की है, तो उसकी भी अवेलेबिलिटी केवल भूजल से भी पूरी हो सकती है। तो मैनेजमेंट की हमें लगता है सामने आके यह जो एक चारों तरफ ये बात आती है कि पानी की उपलब्धता की कमी है वो वाकई वास्तव में सही नहीं है। पानी की अवेलेबिलिटी सीजनल और एरिया वाइज जरूर कमी हो सकती है, कुछ सीजन में पानी नहीं है, कुछ क्षेत्रों में पानी नहीं है, और पानी को जो प्यूरिफिकेशन या पॉल्यूशन करने की बात है, उसको सीवेज ट्रीटमेंट की बात है, या जो हम नदियों को नालों को पानी गर्म गंदा कर देते हैं पानी को, तो वह मैनेजमेंट की ज्यादा समस्या है। अगर हम इसको इस समस्या की तरह से देखें तो हम राइट डायरेक्शन में पॉलिसी इंटरवेंशन कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं। तो इसलिए अब ये मैनेजमेंट की जहाँ पे बात है तो इसमें कई लोग, अब मैनेजमेंट पे जब आके हमारा सवाल या प्रश्न खड़ा होता है तो मैनेजमेंट के मॉडल में, इकोनॉमिक मॉडल में दो तीन चीजें बात में आती है कि इसका मैनेजमेंट क्या सरकार करेगी या जनता अपने आप करेगी, या इसका प्राइवेट कंपनियों को व्यवसायीकरण कर दिया जाए, निजीकरण कर दिया जाए, भूजल को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, तो यह बात सामने आती है। तो बहुत लोग इस बात पे चर्चा करते हैं, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि दोनों पक्ष हमें सामने रखने चाहिए। तो तीन प्राइवेटाइजेशन के तीन प्रमुख बिंदु जो सामने आते हैं हम लोगों के, जो लोग प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण की बात को रखते हैं वह कहते हैं कि अगर प्राइवेटाइज हमने कर दिया तो उच्च निवेश, लार्ज इन्वेस्टमेंट जो मैनेजमेंट के लिए आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाएगी, और ये जो पैसा चाहिए इसके लिए उसमें जो इसकी में जो इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है वो प्राइवेट सेक्टर से आएगा। उसके बारे में जलाधिकार के हमने कई चर्चाएं की, उसमें सोच के हमने देखा
कि जो सरकार टैक्स कलेक्ट करती है वह सफिशिएंटली उसमें से हम मानते हैं या ज्यादातर लोग मानते हैं कि उसमें से बहुत पैसा वह इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो पैसे की बहुत आवश्यकता नहीं है पानी के मैनेजमेंट में। अगर सरकार टैक्स कलेक्शन या टोटल जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखे, केवल सरकार की सोच में यहाँ बदलाव आना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर इसे माने, प्रायोरिटी सेक्टर है या जो सबसे बड़ी आवश्यकता है जीवन के लिए, बहुत आवश्यकता है। तो अगर प्रायोरिटी सेक्टर की तरह से इसको सरकार डील करेगी तो इसमें निवेश की कमी नहीं पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और जितनी आवश्यकता है उतनी पूर्ति हो सकती है। दूसरी बात आती है, लोग कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ वाटर जो होगी अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, निजीकरण कर दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, तो जो क्वालिटी ऑफ जो पानी है पीने की उसकी क्वालिटी बेटर हो सकती है। इसके बारे में हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या प्राइवेट कंपनियों का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, और सरकार का आप ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वेलफेयर स्टेट का। कम से कम हमारे देश में तो हम ये मान के चलते हैं कि सरकारें हैं या जो भी इन पावर है उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वेलफेयर टू द कॉमन पीपल।